बदायूं के कठोली गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार घर पर 4 बच्चे टीवी देख रहे थे, इसी दौरान अज्ञात कारणों से टीवी में आग लग गई और धुएं से दम घुटने की वजह से 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बच्चे घर पर अकेले थे। वहीं जब परिजनों को इस हादसे की जानकारी हुई तो उनके होश उड़ गए। बच्चे टीवी चला रहे थे, टीवी बस्ट होने से उनकी दम घुटकर वो खत्म हो गई। आप लोग कहाँ थे? हम तो साहब पल्ली तरफ थे। अच्छा, जो बच्चे खत्म हुए उनमें कितनी कितनी उम्र के हैं? उनमें एक है 12 साल का, एक है करीबन 10 साल का और एक है 11 साल का। तो कैसे मौत हो गई, क्या हुआ? उनका दम घुट गया था साहब, उसमें किबाल लगी हुई थी। घर में कोई नहीं था? घर पर कोई नहीं था। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 3 बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। प्रातःकाल सूचना मिली थी गांव पिठोली में 3 बच्चों की मौत हो गई। तत्काल वहां के अधिकारी गए तो पता चला कि एक पुराने मॉडल का टीवी था जो रात में लगभग चल रहा था 11:30 के बीच में, उसी समय उसमें विस्फोट हुआ। देखने वालों में 4 बच्चे थे, जिसमें एक तो भाग गया, 3 बच्चों को गंभीर चोटें आई और उनकी मौत हो चुकी है। घटनास्थल पे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं और विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि पुलिस की जांच में क्या सामने आता है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बदायूं से राहुल सक्सेना की रिपोर्ट।